वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कई सारे ऐसे रेस्क्यू में शामिल हुआ, ऐसे जीव जो लुप्त होते जा रहे हैं ऐसे को बचाने के लिए। लेकिन आज का जो वाकया तब बड़ा अजब है, हमने घोरपड़ जिसे देहाती भाषा में कहते हैं उसे देखा, किसी ने पकड़ा है बांध के रखा है तो हमने उसे आजाद करवाया। आजाद करवा फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को हमने कॉल कर दिए गए, रेंजर साहब को कॉल किया था मैंने तो उन्होंने अपना अमला भेज दिया। लेकिन तब तक जब तक उन्होंने आते तो वहाँ बैठे रहे, जिन्होंने इसको बांध दिया था वो तो वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन फिर हम लोग बैठे थे बिल्कुल घोरपड़ को ऐसे देख के, हाथ पैर पूछ कुछ भी नहीं हिल रही है, ऐसा लग रहा था उसमें जान है या नहीं। सारे गाँव के लोग यही कह रहे थे कि ये मर चुकी या पूरी तरह घायल हो चुकी है, जिसे मुझे लगा कि उसे उपचार की ज़रूरत है। तो यही उम्मीद थी कि फायर डिपार्टमेंट की टीम आएगी, जाकर के उसको उपचार करेगी, फिर उसे जंगल में छोड़ आएगी। लेकिन आज का वाक्य आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे जब आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम आई उसे लेने के लिए और अपने ऑफिस तक पहुंचाने के लिए, और ये साथी लोग उतरे, उन्होंने मतलब इन्हें जायज़ा लिया यहाँ पे उसके बारे में। चौहान जी कहते थे कि मतलब इन्हें उसे अच्छे से पकड़ो वरना वो भाग जाती है, उन्हें इससे पहले काफ़ी कुछ जानकारी रही होगी। किन बाकी सभी लोग अनजान थे, मैंने भी काफ़ी बार टच करके देखा था उसे, कुछ भी हरकत नहीं नज़र आई। तो यहाँ एक भी लेकर के बिसेन जी जो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकतर जानवरों को पकड़ने का कार्य वही करते हैं, तो बिसेन जी बोरी लेकर के सामने आए और उसे पूछ को पकड़ करके उसके अंदर करना चाहा, लेकिन ये क्या पकड़ते बराबर वो तेजी से भागा साइड में। ओह अभी समझ में आया कि वो अभी तक जो कर रहा था वो एक्टिंग थी, समझे आप। जानवरों को भी एक्टिंग करनी आती है अपनी जान पहचान की, गजब। एक निरीह और मासूम से जानवर के आज़ाद होने पर और उसके स्वस्थ पाए जाने पर टीम के सभी लोग खुश थे। आइए सुनते हैं उसके बारे में कुछ। जैसे पूछ से उठा रहा बोरी में डाल रहा तो ऐसी भाग रही है, फरार हो रही है, भाग रही है। जानवर भी एक्टिंग करते हैं जी, जी। पब्लिक के सामने ऐसी करती है जी। चलो ठीक है।